राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी है चावल और दाल की इडली और फ्रेश नारियल की चटनी, जो आप घर पे बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं बिल्कुल सुपर सॉफ्ट फ्लफी परफेक्ट इडली और चटनी। अभी हमें एक बर्तन ले लेना है और मेजरमेंट के लिए आप कोई कटोरी या कप सेट कर लीजिए। तो हमने यहाँ पर लिया है 2 कटोरी चावल और 1/2 कटोरी से ज्यादा हमने यहाँ पर लिया है उड़द दाल। अभी हमने यहाँ पर लिया है 3 चम्मच लगभग पोहा और 1 छोटा चम्मच हमने यहाँ पर लिया है मेथी के दाने। अभी इन सभी को हमें अच्छे से धोना है जब तक कि इसका पानी इस तरह से साफ ना हो जाए। अभी इसे ढककर हमें 6 से 7 घंटे के लिए पानी में सोक करने के लिए छोड़ देना है। तो अभी 6 से 7 घंटा हो चुका है, तो देखिए दाल और चावल अच्छे से यहाँ पर फूल चुका है। तो अभी इसे हमें एक छन्नी में छान लेना है बिल्कुल इसी तरह से। अभी हमें इसे थोड़ा थोड़ा करके मिक्सर ग्राइंडर जार में डालना है और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका हमें पेस्ट बना लेना है। जरूरत के हिसाब से ही पानी डालें। तो अभी हमने इसे इस तरह से पीस लिया है, देखिए बिल्कुल इसी तरह से पीसना है। तो अभी इसी तरह से हमने सारे चावल और दाल को पीसकर एक बर्तन में रख लिया है। इडली का बैटर बिल्कुल इतना ही ठीक होना चाहिए। अभी इसे ढककर हमें ओवरनाइट फर्मेंट होने के लिए छोड़ देना है। तो इस तरह से हमने इसे ढक दिया है। अभी 10 से 12 घंटा यहाँ पर हो चुका है, बारिश का महीना चल रहा है तो इसमें ज़्यादा पूरा इस तरह से फर्मेंट नहीं हुआ है, लेकिन इसमें अच्छा सा खमीर आ गया है। तो चलिए इसे अभी साइड में रख देते हैं। तो गैस को मैंने किया ऑन और एक बर्तन में हमने यहाँ पर रखा पानी और इसे अभी हमें ढक देना है ताकि पानी जल्दी से उबल जाए। आपको जितना भी इडली बनाना है एक बर्तन में ले लीजिए और थोड़ा सा नमक ऐड करके मिक्स कर लीजिए। अभी इडली प्लेट में हमें इस तरह से तेल को ग्रीस कर लेना है और इस तरह से हमें इडली बैटर को डालना है। पानी भी उबल चुका है तो हमें इस तरह से इस प्लेट को रख देना है। अभी हमें इसे ढककर 12 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे स्टीम कर लेना है। तो चलिए अभी हमें नारियल की चटनी भी बनाना है। तो हमने यहाँ पर लिया है फ्रेश नारियल 1/2 और इस तरह से कट कर लिया है, हरा धनिया, 3 हरी मिर्च जिसे हमने बीच से तोड़ लिया है, 1/2 इंच अदरक हमने यहाँ पर लिया है, चना दाल हमने यहाँ पर 2 चम्मच लिया है, भुना हुआ है, ये मार्केट में बड़े आसानी से मिल जाता है, और थोड़ा सा हमने यहाँ पर इमली लिया है। अगर इमली ना हो तो आप नींबू का रस यहाँ पर यूज कर सकते हैं, 10 से 12 करी पत्ता और थोड़ा सा हमने यहाँ पर लिया जीरा, नमक स्वाद अनुसार हमने यहाँ पर लेना है। अभी हमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेना है। चटनी का थिकनेस आप अपने हिसाब से यहाँ पर ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अभी इसे एक बर्तन में निकाल लीजिए। अभी तड़के के लिए हमने तड़के पैन को गर्म किया और इसमें डाला कुकिंग ऑयल। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें डालिए राई, 1/2 चम्मच हमने यहाँ पर उड़द दाल और चने का दाल लिया है, 2 सूखा लाल मिर्च जिसे बीच से हमने इस तरह से तोड़ लिया है, 8 से 10 करी पत्ता। अभी हमें इसे चटनी के ऊपर इस तरह से डाल देना है और इसे मिक्स कर लेना है। अभी इडली भी यहाँ पर रेडी हो चुका है, तो गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और उसके बाद भी हमें 5 से 6 मिनट इसे ढककर छोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पर इडली बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी चाकू या चम्मच की मदद से हमें इसे इस तरह से निकाल लेना है। तो हमारा सुपर सॉफ्ट बिल्कुल दूध के जैसा सफ़ेद इडली और बहुत ही टेस्टी चटनी बनकर रेडी हो चुका है। अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो कैसा बना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।